अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो हम भी नहीं हैं। अगर हमें रहना है तो एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो पहले स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। देखिए, मेरा पूरा घर जो है सोलर पावर पे चलता है, और मेरा जो कार्बन फुटप्रिंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी या जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता हूँ उससे कम कंज्यूम करता हूँ, और जो मेरी गाड़ियाँ हैं वो इसी पावर से रन होती हैं, इसलिए मेरी उनकी रनिंग कॉस्ट भी ज़ीरो है। मैं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटा शहर है बवाना, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरा वर्क प्लेस है वो सेंट्रल दिल्ली में है, जो कि ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर वन वे है। इट मीन्स 90 किलोमीटर मेरा आना जाना है। किसी भी सिटी, खासकर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है सच एज दिल्ली, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में वो टू व्हीलर्स का ही होता है। अगर पोल्यूशन के खिलाफ हमें ठीक से कोई काम करना है, आइस इंजन्स टू व्हीलर्स को रिप्लेस करना होगा विद ईवी। बाय प्रोफेशन आई एम ए पैरामेडिक एंड आल्सो ए फार्मासिस्ट। मैं लास्ट 22 ईयर्स से इस प्रोफेशन में हूँ। कोविड के दौरान जो है मैंने कोई छुट्टी नहीं की, मन ही नहीं करता था, नहीं मैं रोज़ आऊँगा, रोज़ काम करूँगा। पूरी सोसाइटी की सेवा में लगे हुए थे तो एक सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ हम कुछ कर पाए हैं किसी के लिए। रोड पे जब निकलता था मैं तो एकदम सुनसान, मैं 35 मिनट्स और 40 मिनट्स में हॉस्पिटल होता था, सोचिए। अब मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ये डिस्टेंस कैसे और कब कवर हो जाता है ये पता नहीं लगता। एथर इज नॉट जस्ट ए स्कूटर, इट्स ए फ्लाइंग मशीन। रोड पे चलते हुए मतलब एक जो मैजेस्टिक फीलिंग आती है दैट इज क्लास अपार्ट। 90 किलोमीटर्स कवर करने के बाद 10% के आसपास बैटरी मेरी फिर भी बचती है। देखिए, पर्यावरण से हम हैं, पर्यावरण हमसे नहीं है। फिलॉसफी मेरी यही है कि मदर नेचर को जब तक हम संभाल के नहीं रखेंगे तो उसके अभिशाप को हमें झेलना होगा। एथर इस जंग में मेरे लिए किसी सर्वश्रेष्ठ हथियार से कम नहीं है।